वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूं जो कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने वाली है, सभी के लिए मैंडेटरी होने वाली है एंड ये जीएसटी से रिलेटेड है। तभी मैंने यहां पे जीएसटी की एक वेबसाइट ओपन की हुई है, gstcouncil.gov.in। ये अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारी जो आरजे लर्निंग अकेडमी है, हम लोग टैली की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम क्विक बुक्स की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एडवांस एक्सेल बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर भी अगर आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। एंड ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगता, आप जल्दी से अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग्स आपको हर एक सेशंस के मिल जाते हैं, तो आप हर एक रिकॉर्डिंग को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली यही हूँ कि 1 अप्रैल 2021 से सभी रजिस्टर्ड डीलर्स जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं उनके लिए HSN कोड अपने इनवॉइस पे डालना मैंडेटरी हो जाएगा। अभी तक हम लोग जिनका जो स्मॉल टैक्स पेयर्स थे वो HSN कोड नहीं भी डालते थे तो भी चल जाता था, रिटर्न्स में नहीं भी फाइल करते थे तब भी चल जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन 78 के रेफरेंस में ही ये गवर्नमेंट ने बताया है कि 1 अप्रैल 2021 से आप जो भी रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें आपको HSN कोड वाइज समरी देनी होगी। एंड इसमें क्लॉज क्या है कि अगर किसी भी पर्सन का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है तो उनको 4 डिजिट HSN कोड के लेने ज़रूरी हैं, और B2B में लेना मैंडेटरी है बट B2C में लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए जो डिजिट्स हैं वो 6 डिजिट का HSN कोड उनको मेंटेन करना है। तो ऐसे करके आप लोगों ने अपना 78 नोटिफिकेशन नंबर देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बट HSN कोड तो सभी को मेंटेन करने हैं, चाहे टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है या फिर मोर देन 5 करोड़। ओके, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता कि वो जो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका HSN कोड या फिर SSC कोड क्या है। तो एक बहुत ही ईजी वेबसाइट है जो मैंने ओपन की हुई है, gstcouncil.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है HSN SSC कोड GST रेट फाइंडर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर आप किसी भी गुड्स का एंड किसी भी सर्विसेज का चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज, कोई भी अगर आपको कुछ भी चीज़ पता है कोड वाइज तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस लिस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें सिर्फ जो 4 डिजिट के HSN कोड हैं वही यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 डिजिट के HSN कोड्स हैं वही यहाँ पर मेंशन है, बट जिन लोगों को 6 डिजिट और 8 डिजिट मेंटेन करना है उनके लिए यहाँ पर HSN कोड्स नहीं है। तो वो लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे HSN कोड या SSC कोड अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। बट जिनका 4 डिजिट के अंदर आता है वो लोग यहाँ पर वेबसाइट पे भी गुड्स का करना चाहते हैं तो गुड्स का सर्च कर सकते हैं, एंड सर्विसेज का करना चाहते हैं तो सर्विसेज का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, किसी को भी आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, एंड पूरी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड टैक्स रेट्स भी आपको यहीं पर शो हो जाएंगे। ओके, बट अब वो लोग जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है एंड जिनको 6 डिजिट मेंटेन करना है HSN कोड का, वो लोग कहाँ से सर्च करेंगे? उनके लिए यहाँ पर अपना GST पोर्टल लॉगिन करना होगा। उनको GST पोर्टल जहाँ पे आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं यहाँ आपको अपना GST पोर्टल लॉगिन करना है। मैंने अपना ऑलरेडी GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, एंड यहाँ पर आपने आना है सर्विसेज पे। सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सर्च HSN कोड। यूज़र सर्विसेज के अंदर सर्च HSN कोड का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सर्च HSN कोड शो हो जाएगा। आप यहाँ पे HSN कोड सर्च करना चाहते हैं या फिर SSC कोड, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे चेयर का HSN कोड सर्च करना है तो मैंने चेयर लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट का HSN कोड आ गया, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का,
सॉरी 8 डिजिट का यहाँ पे सारे HSN कोड्स आपको जितने भी डिजिट्स के होते हैं वो सारे HSN कोड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे एंड आपको सभी गुड्स एंड सर्विसेज के, आप कोई सर्विसेज का भी सर्च करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप इसको सर्च करके यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वाइसेस में एंड इन्वाइसेस पे HSN कोड्स एंड SSC कोड अब 1 अप्रैल से मैंडेटरी हो जाएगा, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको इन अपडेट्स का पता चल पाए। तो आप दोनों में से किसी भी 4th डिजिट का आप लेना चाहते हैं या फिर आप 6 डिजिट के HSN कोड, 8 डिजिट के HSN कोड देखना चाहते हैं, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं एंड आई थिंक ये वाली वीडियो आपको, आपके लिए ज़रूरी, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।